प्रश्न है, अलौकिक प्रेम या ईश्वर प्रेम की अनुभूति कैसे हो सकती है? जीवन में सेक्स आधारित प्रेम इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? पूछा है, जीवन में अलौकिक प्रेम या ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति कैसे हो सकती है? वास्तव में अपने पूरे जीवन के, अपने प्राणों के अनुभव के आधार पर आपसे कहना चाहता हूँ कि अलौकिक प्रेम या ईश्वरीय प्रेम जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जिन लोगों ने प्रेम को जाना, जो प्रेम के अनुभव से गुजरे, उनके अनुभव का सार है कि प्रेम तो सदैव दिव्य होता है, प्रेम सदैव ईश्वरीय होता है, प्रेम सदैव अलौकिक होता है और प्रेम का कोई दूसरा रूप होता ही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि लोगों को प्रेम का अनुभव ही नहीं है, इसीलिए इस तरह के प्रश्न उनके भीतर से उठते हैं। वास्तव में इस संसार में प्रेम की सिर्फ चर्चा चलती है, साहित्य में, संगीत में, कला में, नृत्य में, हर जगह प्रेम ही प्रेम की बातें होती हैं। प्रेम का सिर्फ विचार ही चलता है, वार्ता ही चलती है और विचार करते रहने से, प्रेम की बात करते रहने से लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने प्रेम कर लिया है, प्रेम हो गया है। वास्तव में प्रेम करना और प्रेम में जीना एक बात है, प्रेम की बात करना, प्रेम की चर्चा करना बिल्कुल दूसरी बात है। लोगों को जो अनुभव है वो सिर्फ प्रेम की बात करने का, प्रेम की चर्चा करने का। इसलिए चर्चा करना, प्रेम की बात करना प्रेम का पर्याय बन जाता है। जो प्रेम की बात करने लगता है वो सोचता है कि वो प्रेम के अनुभव से गुजर गया। प्रेम की चर्चा, प्रेम की बात प्रेम का सब्स्टिट्यूट बन जाती है और लोगों को प्रेम में होने का भ्रम हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुत ही गलत अर्थ समझा गया है और उनमें प्रेम शब्द ऐसा शब्द है जिसको सर्वाधिक गलत समझा गया है। जिसे आप प्रेम कहते हैं, सच्चे अर्थों में वह प्रेम है ही नहीं। अब प्रश्न उठता है, जिस प्रेम का अनुभव आपको है वो कौन सा प्रेम है? आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हुए मैं कहना चाहता हूं, जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं और जब आपको उसका पूरा प्रेम मिल जाता है, जब वो दूसरा पूरी तरह आपका हो जाता है, उसके बाद जब आपको पूरा पता चल जाता है कि वो तो आपका हो ही गया है, तब आपका प्रेम मरने लगता है और एक दिन आपका प्रेम बुझ जाता है। प्रेम की ऊर्जा, प्रेम की ज्योत, प्रेम की तड़प समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आपके प्रेम में बाधाएं पैदा कर दी जाती हैं, एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है, लड़की उस लड़के को प्रेम करती है, लेकिन अगर प्रेम में बाधाएं पैदा कर दी जाती हैं तो वह प्रेम की तड़प और अधिक गहरी और अधिक गहरी और अधिक तीव्र और अधिक तीव्र होने लगती है। अगर बाधाएं इतनी बड़ी कर दी जाएं कि दोनों का मिलना ही असंभव हो जाए तो वो प्रेम अमर हो जाता है। दोनों दूसरे के लिए तड़पते ही रह जाते, कहते हैं वो प्रेम उनका अमर हो गया। यानी जब प्रेम बाधित हो जाता है तब आपको मानसिक तल पर तनाव होता है, भावनात्मक तल पर तनाव होता है और आपकी वासना और अधिक गहराने लगती है। तो ये जो मानसिक तनाव होता है, भावनात्मक तनाव होता है एक दूसरे को पाने का, लोग उसी को प्रेम समझने लगते हैं कि जैसे उन्हें प्रेम हो गया है। लेकिन जब वही बाधा के खत्म हो जाने पर मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव भी कम हो जाता है, यानी जब वो मिल जाता है तब मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव जो उसको पाने का होता है वो खत्म हो जाता है। और जब मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव खत्म हो जाता है तो आप कहते हैं प्रेम गायब हो गया। वो जो गायब होता है वो क्या है? प्रेम नहीं गायब होता है, प्रेम तो कभी था ही नहीं, वो एक मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव था जो दूसरे को पा लेने का था, दूसरे के साथ
एक हो जाने का जो तनाव था वो समाप्त हो गया। जब तक वो तनाव रहता है आप कहते हैं प्रेम में है, जब वो मानसिक तनाव भावनात्मक तनाव चला जाता है तो आप कहते हैं प्रेम गायब हो गया। द लव गोज डाउन आफ्टर द हनीमून। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह मानसिक तनाव भावनात्मक तनाव जो आपको पकड़ता है जिसे आप प्रेम कहते हैं वो केवल सेक्स की आपूर्ति के लिए प्रेरित होता है और सेक्स की आपूर्ति कर लेने की भावना का सहज स्वाभाविक परिणाम होता है। अगर सेक्स की आपूर्ति सहजता से सरलता से संभव हो जाए, छूट मिल जाए लोगों को, तो जो वर्तमान में स्थिति है सेक्स के प्रति जो बेचैनी व्याकुलता और सेक्स को इतना अधिक महत्व दे दिया गया है वो महत्व समाप्त हो जाएगा। सेक्स रहेगा लेकिन वो एक सामान्य कृत्य हो जाएगा, जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पेशाब करते हैं, ऐसे ही सेक्स का कृत्य भी सामान्य हो जाएगा। अभी हमारे लिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत विशिष्ट और अत्यंत दुर्लभ और अतिशय महत्वपूर्ण हो गया है। उसका एक कारण ये भी है कि हमने उसे चारों तरफ से प्रतिबंधित कर दिया है। जितना ही हम उसे प्रतिबंधित कर देते हैं उतना ही वो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, और जब हम प्रतिबंध हटा लेते हैं अतिशयता उसकी समाप्त तो हो जाती है। वास्तव में प्रेम सेक्स से नहीं ध्यान से संबंधित है। प्रेम का संबंध तुम्हारे भीतर के आयाम से है, सेक्स से उसका कोई संबंध नहीं है। आपके भीतर के आयाम का स्वाभाविक परिणाम है, आपके भीतर की स्थिति की सहज सुवास है, स्वाभाविक सुगंध है प्रेम। आपके भीतर जो भी स्थिति है, जिस भी भीतरी अवस्था में आप रहते हैं, उसका स्वाभाविक परिणाम, उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति का नाम प्रेम है। प्रेम का सारा मामला ही भीतरी है। जब आपके भीतर एक तृप्ति का भाव होता है, आपके भीतर एक आनंद का भाव होता है, आपके भीतर एक गहन मौन होता है, उस स्थिति में आपके भीतर एक माधुर्य पैदा होते हैं, आपके भीतर एक मिठास पैदा होती है, और वह मिठास अपने आप आपके बाहर बहने लगती है, आपके बाहर प्रवाहित होने लगती है। सच्चे अर्थों में उसे ही प्रेम कहते हैं। यानी आपके भीतर कोई आनंद की घटना घट जाए, आप भीतर से आनंदित हो जाए, आप भीतर से तृप्त हो जाए, आप भीतर से मौन की अवस्था में हो जाए, तो आप पाएंगे कि आपके बाहर के जगत में बहुत परिवर्तन होने लगे हैं। एक मिठास, एक माधुर्य आपके चारों तरफ बहने लगता है। उस मिठास को, उस माधुर्य को ही प्रेम की संज्ञा दी गई है, उसे ही हमने प्रेम कहा है। झूठा प्रेम सदैव मांग पर आधारित होता है, सदैव अपेक्षा पर आधारित होता है, कुछ पाना चाहता है। हर स्त्री हर पुरुष एक दूसरे से प्रेम की अपेक्षा करते हैं, प्रेम की मांग करते हैं, और मुझसे भी शिकायत करते हैं कि गुरुजी अब ये मुझे उतना प्रेम नहीं करते जितना पहले करते थे, या वो कहते हैं कि गुरुजी अब वो मुझे उतना प्रेम नहीं करती जितना पहले करती थी। यानी प्रेम की मांग, प्रेम की अपेक्षा अगर बनी हुई है आपके भीतर तो समझना कि सच्चा प्रेम नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे दो भिखारी एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से भीख मांगने की कोशिश करते हैं जिनके पास देने को कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पति पत्नी के बीच या दो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच जो कलह है, अंतर कलह है, झगड़े हैं, अशांति है, तनाव है, उपद्रव है, उसका कारण यही है कि प्रेम की सिर्फ मांग है, प्रेम की सिर्फ एक दूसरे से अपेक्षा है। जबकि सच्चे प्रेम में दूसरे को अधिक से अधिक प्रेम देने का भाव होता है कि मैं कैसे और अधिक प्रेम दे दूं, कैसे दूसरे को और अधिक गुड फील करा दूं, कैसे दूसरे को जिसे मैं प्रेम करता हूं अधिक से अधिक आनंदित कर दूं, कैसे मैं दूसरे का आनंद बढ़ाने का माध्यम बन जाऊं, कैसे मैं दूसरे का अधिक से अधिक आनंद बढ़ाने का साधन बन जाऊं,
मैं कैसे दूसरे को अधिक से अधिक खुश कर दूं, यानी दूसरे को अधिक से अधिक खुशहाल देखना, दूसरे को अधिक से अधिक सुविधा देने को आतुर रहना। जब यह भाव रहता है, दे देने का भाव रहता है, अधिक से अधिक दे देने का भाव रहता है, पाने की कोई आकांक्षा ही नहीं होती है, बस अधिक से अधिक दूसरे को खुश देने में ही अद्भुत तृप्ति प्राणों में पैदा होने लगती है, तब समझना कि सच्चे अर्थों में आपको उस दूसरे से प्रेम हो गया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सच्चा प्रेम कृत्य नहीं होता, किया नहीं जाता, वो एक भाव दशा होती है आपके भीतर की। जब भीतर से आप तृप्त हैं, आनंदित हैं, गहन मौन की अवस्था में, अकेले की अवस्था में भी आनंदित रह सकते हैं, उस स्थिति में प्रेम की मिठास, प्रेम का माधुर्य आपके भीतर से बहने लगता है, और तब आप जिस भाव दशा में होते हैं वो प्रेम की भाव दशा होती है। ऐसी भाव दशा में आप कह ही नहीं सकते आई लव यू, और आप ये भी नहीं कह सकते कि आई डोंट लव यू। जब आप प्रेम की भाव दशा में होते हैं तब प्रेम करने के अलावा और दूसरी कोई स्थिति ही नहीं होती आपकी। आप किसी को प्रेम से वंचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भीतर प्रेम से भरे हुए हैं, तब आपके भीतर से प्रेम ऐसे ही बाहर सुगंध के रूप में प्रस्फुटित होता है, जैसे फूल से सुगंध निकलती है, जैसे दिए से रोशनी निकलती है, ऐसे ही आपके भीतर से प्रेम प्रवाहित होने लगता है। और झूठा प्रेम, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वास्तव में वो दूसरे पर कब्जा कर लेना चाहता है, वर्चस्व कर लेना चाहता है, जबकि सच्चे प्रेम में स्वयं पर दूसरे को कब्जा देने का भाव पैदा हो जाता है। आप स्वयं दूसरे को आनंदित करने के भाव से अपने को अर्पित कर देते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, झूठा प्रेम आक्रामक होता है, आक्रमण करना चाहता है जिसको पाना चाहता है, और सच्चा प्रेम आमंत्रण देता है, आओ मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूँ, मेरे भीतर जो कुछ है उसका भोग करो, उसे ग्रहण करो, उसे स्वीकार करो। ये आमंत्रण का भाव होता है, आक्रमण का नहीं। और अंत में सच्चा प्रेम वही है जो गहन मैत्री और गहन करुणा के रूप में उत्तेजना से मुक्त हो जाता है। उसमें ना कोई शिखर होता है ना घाटी होती है, उसमें सहज शीतलता होती है। मेरा मानना है प्रेम सदैव अलौकिक है, सदैव ईश्वरीय है, सदैव दिव्य है। प्रेम को विभाजित नहीं किया जा सकता, वह अविभाज्य है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसीलिए कहा गया प्रेम सदैव अलौकिक है, प्रेम ही है प्रभु, प्रेम ही परमात्मा। थैंक यू।